अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो करवा चौथ का पर्व या व्रत इस समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आखिर इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या इसका इतिहास है? ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने पार्वती माता को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी का एक छोटा सा मटके जैसा पात्र होता है और उसके आगे मिट्टी की एक टोटी निकली हुई होती है। इससे चंद्रदेव को जल अर्पित करते हैं। इस पात्र को करवा कहा जाता है और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं, तो ये हो जाता है करवा चौथ। इस दिन मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य भी प्राप्त होता है और करवा चौथ की रात को प्रयोग भी किए जाते हैं सौभाग्य प्राप्ति के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जो निष्फल नहीं होते। इस बार जो करवा चौथ के पर्व का संयोग बन रहा है वो 20 अक्टूबर को बन रहा है, जिस दिन माताएं और बहनें करवा चौथ के पर्व का पालन करेंगी। देखिए, कोई भी व्रत उपवास आप रखते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे का तर्क क्या है और किन बातों का पालन करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। देखिए, केवल सुहागिन महिलाएं या जिन बालिकाओं का, लड़कियों का रिश्ता तय हो गया है, ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि आप मन में अपने पति का स्वरूप लेकर या होने वाले पति का स्वरूप लेकर ही चंद्रमा को अर्घ देंगी। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है, यानी 20 अक्टूबर को सूर्योदय से ये व्रत शुरू होगा और रात में जब चंद्रमा निकल जाएगा, चंद्रमा की पूजा हो जाएगी, तब ये व्रत समाप्त हो जाएगा। दिन के समय में निर्जल व्रत रखिए या केवल लिक्विड पर भी व्रत आप रख सकती हैं। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र ना पहने। लाल वस्त्र सबसे ज्यादा शुभ है, पीला भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहनती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और रात में पूजा समाप्त होने के बाद पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति ये व्रत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो व्रत है ये केवल पुरुष के लिए है। नहीं, परंपरा ये कहती है, मान्यता ये कहती है कि ये गणपति का व्रत है। चतुर्थी तिथि को गणपति की पूजा होती है, तो पति भी अगर चाहें तो अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, सुख संपन्नता के लिए ये व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पति पत्नी मिलकर के व्रत रखें, एक साथ गणपति और चंद्रमा की पूजा करें, तो बहुत सही करवा चौथ होगा।
लेकिन अब परंपरा की बात है, लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नियां ज्यादातर ये व्रत रखती हैं। लेकिन वास्तविकता में ये अच्छा होगा कि पति पत्नी दोनों मिलकर गणपति के लिए ये व्रत रखें, इससे दोनों का जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको पहले बताया था कि करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति के बड़े सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला प्रयोग ये है कि अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां आ गई हों तो क्या करेंगे, मध्यरात्रि को करवा चौथ की पीले वस्त्र धारण करिए, भगवान गणेश के सामने एक घी का दीपक जलाइए, उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की दो गांठ अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश का जो मूल मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि पति पत्नी के बीच में जिस भी किसी कारण से दूरियां आ गई हैं वो दूरियां दूर हो जाएं। बस इसके बाद उस पीले कपड़े में हल्दी की दोनों गांठों को बांध करके अपने पास रख लीजिएगा, पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं सौभाग्य के दूसरे प्रयोग के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना ही चाहते हैं, प्रेम भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं, और साथ में बेवजह के विवाद होते हैं, अशांति फैली रहती है। क्या करना चाहिए? करवा चौथ की मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करिएगा, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। महिलाएं सिंदूर को सुरक्षित रख लेंगी और नियमित रूप से स्नान के बाद इसको लगाती रहेंगी, तो पति पत्नी के बीच के विवाद बंद होंगे, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ जाएगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम की जो डगर है, जो प्रवाह है, वो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, और कभी कभी एक दूसरे से बड़ा विराग सा पैदा हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? करवा चौथ की रात्रि को पीले या लाल वस्त्र धारण करिए, एक लोटे जल में सफेद चंदन मिलाइए, घिस करके मिलाइए, या सफेद चंदन का पाउडर आता है वो मिलाइए, नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए उसी जल से, और इसके बाद शिव जी का ध्यान करके एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। वो विशेष मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मंत्र का जप कर लेने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करिएगा, और मैं कहूंगा कि सारी महिलाओं को मध्यरात्रि में इस मंत्र का जप जरूर कर लेना चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।